Hello everyone, in previous video we were discussing about simple machines and we have learnt about lever. These are the some examples of lever. Now the next जो simple machine है that is inclined plane. A slope is an inclined plane. It makes work easy to load or unload objects. An inclined plane is used to load a car in a truck to take it to a different place. Look at this example. This is a slope. तो ये एक तरह से क्या है रैम्प. तो जो रैम्प होता है वो किसके एग्जाम्पल है इंक्लाइंड प्लेन का यूज होता है लोडिंग और अनलोडिंग में. सो अ रैम्प फॉर व्हील चेयर इन स्कूल्स एंड हॉस्पिटल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. जो रैम्प होता है स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में. इट इज़ ईजी टू पुश अ व्हील चेयर ऑन रैम्प. ईजी होता है पुश करना. अ स्लाइड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. जो स्लाइड जो जो स्लाइड होती है वो भी किसके एग्जाम्पल है इंक्लाइंड प्लेन का. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइंड प्लेन. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल टूल इज वेज. वेज क्या होता है. इट इज थिक एट वन एंड एंड थिन एंड शार्पेस्ट एट द अदर एंड. की एक एंड से क्या होता है थिक होता है और दूसरे एंड से क्या होता है शार्प और थिन होता है. लुक एट दिस नाइफ. जो दूसरी साइड क्या है रफ है और क्या है वो थिक है थोड़ी मोटी है. लेकिन जो इधर वाली साइड है वो क्या है थिन है और शार्प है. तो अ नाइफ फोर्क एंड एक्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वेज. तो वेज के एग्जाम्पल क्या हो गए नाइफ फोर्क एंड एक्स. इट कैन पुल एन ऑब्जेक्ट और कट इट इन टू पीसेज. ये किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं. पुल कौन कर रहा है फोर्क एंड कट इट इन टू पीसेज और पीसेज के अंदर कट कर सकता है. नेक्स्ट जो सिंपल टूल इज स्क्रू. अ स्क्रू इज ऑल्सो एन इंक्लाइन प्लेन. जो स्क्रू होता है वो भी किसके एग्जाम्पल है इंक्लाइन प्लेन का. बट इट इज स्पायरल एट वन एंड एंड होल्ड ऑब्जेक्ट्स फर्मली. लेकिन ये क्या होता है एक एंड से क्या होता है स्पायरल. स्पायरल लाइक लुक एट दिस. जो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लाइन्स ये क्या है स्पायरल. जो किसी ऑब्जेक्ट को फर्मली होल्ड करके रखता है टाइटली होल्ड कर. जैसे ये जो बॉल्ट होता है इसको वो टाइटली होल्ड करके रखता है. सो अ बल्ब नट एंड बॉल्ट ईयर स्टड्स ऑल हैव स्क्रूज. ईयर स्टड्स क्या होते हैं जो कानों में जो झुमके वगैरह डालते हैं उनके पीछे जो होता है वो भी क्या होते हैं स्क्रू होते हैं. नाउ द फिफ्थ सिंपल टूल और मशीन इज व्हील एंड एक्सल. अब व्हील से आप सभी फेमिलियर हैं एंड वट इज एक्सल. तो एक्सल और व्हील क्या होते हैं. व्हेन अ व्हील हैज़ अ रोड अटैच टू इट. कि जब किसी व्हील के साथ रोड अटैच होती है विच हेल्प्स इन मूवमेंट. जो रोड किसमें हेल्प करती है मूवमेंट के अंदर. द रोड इज कॉल्ड एक्सल. तो उस रोड को क्या बोलते हैं एक्सल. द एक्सल हेल्प्स द व्हील टू मूव. तो जो एक्सल होता है उसकी वजह से जो व्हील है वो मूवमेंट करते हैं. We find a wheel and axle machines in sewing machine and bicycle. जो wheel और axle कहाँ पे होते हैं machines के अंदर और bicycle के अंदर. The steering wheel of a car is also an example of wheel and axle machines. तो जितने भी vehicles होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है wheel and axle. So examples of wheel and axle are car and this is of bicycle. तो इनके अंदर जो use होता है rod attached होती है वो wheel के साथ. तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सेल. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज पुली. पुली क्या होती है. अ व्हील विच हैज ग्रूव्स ऑन इट ऑन विच अ रॉप और चेन मूव्स टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ पुली. ग्रूव्स क्या होते हैं कट्स. कि उसके अंदर कट होते हैं. तो एक एक तरह का जो पुली क्या होती है एक तरह का व्हील होता है जिसके जो ऊपर क्या होते हैं कट होते हैं. ताकि जो रॉप और चेन है उसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर पाते हैं. जैसे दिस इज द टो अवे व्हीकल. अब टो अवे व्हीकल पे यहाँ पे क्या लगा होता है पुली. तो और ये रॉप होती है या फिर चेन होती है आयरन की. तो जिसकी वजह से जो भी हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये उसको अपने को लिफ्ट कर लेती है. और पीछे से हम क्या अप्लाई करते हैं फोर्स अप्लाई करते हैं. जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो भी क्या होती है मैकेनिकल फोर्स होती है. मशीन से हम फोर्स अप्लाई करते हैं. ऐसे ही पुली इज यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल. जो पुली यूज होती थी पहले
कुओं में से पानी निकालने के लिए द एलिवेटर्स इन द बिल्डिंग हैव अ पुली ऑन विच दे गो अप एंड डाउन। तो जो एलिवेटर्स होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, जो लिफ्ट्स होती हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, पुली लगी होती है जिसकी वजह से वो ऊपर और नीचे जाते हैं। द क्रेन्स ऑल्सो हैव अ पुली टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स। जो क्रेन्स होती हैं वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाते, तो वहाँ पे भी क्या होती है, पुली लगी होती है। द टॉ ऑफ मशीन्स विच टॉ व्हीकल्स फ्रॉम द नॉन पार्किंग एरिया ऑल्सो हैव अ पुली। तो जैसा आपने स्टो अवे व्हीकल्स के अंदर देखा, तो यहाँ पे क्या होती है, पुली अटैच होती है। इट इज़ अ व्हील जिसके ऊपर क्या होते हैं, ग्रूव्स होते हैं। सो टूडेज होमवर्क इज़ यू हैव टू राइट द नेम द टाइप ऑफ सिंपल मशीन्स ईच विथ टू एग्जाम्पल्स। आपको आपने जितनी भी सिंपल मशीन्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है, उन सभी के नेम लिखने हैं और साथ में टू टू एग्जाम्पल्स लिखने हैं इन योर रफ नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।